संयम से जहाँ हमारे सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है, वहीं इससे हमारी वाणी में ओस की वृद्धि भी होती है और वह दूसरों पर स्वतः ही अपना प्रभाव डालती है। इसके साथ ही वाणी में मधुरता होने पर वह लोगों के दिलों को सुकून देती है, दिलों में वास करती है। इसलिए अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक संयम और मधुरता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि पारुष्य मान ऋतम चय पैशून्यम चापि सर्वसा असंबद्ध प्रलापश्च वांगमयम स्याच्च दुर्विधम। अर्थात वाणी में कठोरता, झूठ बोलना, परनिंदा करना और व्यर्थ बातें बनाना, ये वाणी के चार दोष हैं और इन दोषों से बचने वाला व्यक्ति सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। इसलिए बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए इन चार दोषों को सबसे पहले त्यागना चाहिए। बातचीत को नियंत्रित करने का माध्यम मनुष्य की सोच है। सोच यदि नियंत्रित है तो व्यक्ति आसानी से सफलता की ओर बढ़ता है और अपने बातचीत के तरीके से सबको आकर्षित भी करता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 2015।